हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबी आउटसोर्स। एमबी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पेशेंट डिनोटेशन, राइट? तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा है तो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, बट फिर भी मैं बताने का ट्राई करूँगा। पेशेंट डिनोटेड इन मेडिकल बिलिंग, यानी मेडिकल बिलिंग में पेशेंट को किस वे से डिनोट किया जाता है, किस किस नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे मान लो कृष्ण का नाम किशन है, गोविंद है, माधव है, राइट? ठीक उसी प्रकार अगर हम मेडिकल बिलिंग में ईआरए देखते हैं या फिर ईओ भी देखते हैं, तो उसमें पेशेंट का नाम हमें दिखता ही नहीं है जल्दी से। ईओबी में या फिर ईआरए में ऐसा लगता है कि कोई कहाँ पे ढूंढते रह जाते हैं, बट वो उसको दर्शाने के लिए उसके सब हेडिंग होती है, जिसको हम मैंने कहा है यहाँ पे पेशेंट डिनोटेशन, राइट? तो मेडिकल बिलिंग में पेशेंट को दर्शाने के लिए उनका मूल धात ये होगा, जैसे कि पेशेंट नेम लिखा होगा तो वहाँ पे पेशेंट का नाम आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइबर लिखा होगा ईओबी या फिर ईआरए में या फिर क्लेम फॉर्म में कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको पेशेंट का नाम दिख जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी अगर लिखा है तो वहाँ पे भी आपको पेशेंट का नाम दिख जाएगा। गारंटर लिखा है तो वहाँ पे भी आपको पेशेंट का नाम दिख जाएगा। डिपेंडेंट है तो जैसे कि मान लो मैं हूँ और मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंड है, तो मेरा इंश्योरेंस कार्ड रहेगा, तो मेरा नाम मेरे अंदर वो उसका भी मेडिकल क्लेम कवर होगा, तो वो बच्चा मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट, मेरी वाइफ डिपेंडेंट हो गई, ठीक है, और मैं क्या हो गया, गारंटर, राइट? तो सर्विस हमने डॉक्टर के पास से ली है तो हम अल्टीमेटली पेशेंट हो गए। तो डिपेंडेंट एक पेशेंट है और जिसके कार्ड के बेसिस पे वो जो डिपेंडेंट बेनिफिट ले रहा है वो गारंटर है, तो दोनों अल्टीमेटली पेशेंट ही हो गए, ठीक है। तो गारंटर सिंगल रहा तो भी पेशेंट का नाम मिल जाएगा, डिपेंडेंट रहा तो भी पेशेंट का नाम मिल जाएगा, और क्लेमेंट 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 नेम करके ऐसा आता है वहाँ पे लिख के, वहाँ पे आपको पेशेंट का नाम दिख जाएगा ईओबी में, राइट? वो मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि जब भी मैं इस पर वर्क करता हूँ तो मैं पेशेंट का नाम कहाँ पे लिखा है, मैं जब इनिशियल डेज में काम करता था मेडिकल बिलिंग में तो ईओबीज पोस्ट करनी होती थी, ईआरए पोस्ट करनी होती थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि पेशेंट का नाम कहाँ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसको दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। जैसे सब्सक्राइबर है तो मैं कन्फ्यूज हो जाता था कि पिछले एटना के ईओबी में तो पेशेंट नेम था, यहाँ पे सब्सक्राइबर क्यों लिखा है हॉरिजन में, राइट? और फिर मेडिकेयर में रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों लिखा है या फिर क्लेमेंट नेम क्यों लिखा है पेशेंट के नाम के को दर्शाने के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर पूरा स्टडी किया और मैंने ये जाना कि पेशेंट के नाम को दर्शाने के लिए इस मूल धातु का ईओबी ईआरए में यूज़ करते हैं। एक तो कॉमन है, पेशेंट नेम ही कभी कभी लिखा रहता है, उसके आगे पेशेंट का नाम जैसे एक्स वाई जेड, या फिर सब्सक्राइबर लिखा होगा उसके आगे पेशेंट का नाम एक्स वाई जेड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी के आगे एक्स वाई जेड, गारंटर के आगे एक्स वाई जेड, डिपेंडेंट के आगे एक्स वाई जेड, क्लेमेंट नेम के आगे एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से दोस्तों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हा? जब भी आप ईआरए पोस्ट करो, ईओबी पोस्ट करो या फिर क्लेम को सॉल्व करो, तो हमेशा पेशेंट का नाम ढूंढने में दिक्कत जा सकती है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि पेशेंट का नाम इन छह मूल धातु से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्लेम फॉर्म में हो या फिर ईआरए में हो या फिर ईओबी में हो, राइट, या फिर इंश्योरेंस कार्ड पे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ आया है तो, अगर नहीं समझ आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं आया समझ, तो मैं इस पर और इलेबरेट करके आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये बोलना था कि आपको अगर कोई टॉपिक अगर मानो नहीं समझ में आता है और वो अगर उसकी यूनिटी होंगी कि वही टॉपिक अगर पब्लिक ऑन डिमांड होंगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी पर्टिकुलर एक बंदे को कोई एक चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मैं कमेंट सेक्शन में वो मुझे बोले कि उसको पर्टिकुलर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कमेंट करके ही उसको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। अगर वो चीज़ कॉमन होंगी सभी
लोगों को नहीं समझ आ रही होंगी तो मैं उस पे एक वीडियो तैयार करूँगा, राइट? सो यूनिटी इज़ मैटर, ओके? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।